हाँ तो भाई लोग आ गए हूँ मैं आज फिर से। ये फिर आ गया? अरे हाँ भाई हाँ, इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम बोलो तो चला जाता हूँ। बदल भाई, मैंने सुना है तुम लोगों ने अनइंटेंशनली फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर दिया है और फिर अब रो रहे हो क्योंकि इंस्टाग्राम के कांड फेसबुक वाले लोगों को दिख गए हैं। और फेसबुक पे कौन होते हैं लोग? परिवारजन। अब आपके घर वाले भी आपका यही हाल कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, अभी आपको बताता हूँ हाउ टू डिस्कनेक्ट फेसबुक फ्रॉम इंस्टाग्राम, या फिर उल्टा बोल लो हाउ टू डिस्कनेक्ट इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक। दोस्तों दोनों ही बातें सेम है क्योंकि दोनों के लिए एक ही आपको काम करना है, वो है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। उसी के बाद आप पूरी वीडियो को समझ पाएंगे। दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए बता देता हूँ कि आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, नहीं तो आधा ही समझ पाएंगे आप। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और दोस्तों इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब भी मैं कोई स्टोरी या पोस्ट डालने जाऊँगा तो देखिए क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए, और दोस्तों यहाँ पे मैंने पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है एंड फेसबुक स्टोरी। और दोस्तों आप लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपका जो भी कांड होता है, कर्म कर रहे होते हैं आपने, वो सारे आप फेसबुक पे भी दिखा देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको पकड़ के मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों ऐसी फेसबुक स्टोरी से बचने के लिए आपको वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर आपका बेस्ट तरीका है कि आप अपने अकाउंट को डिसकनेक्ट कर दो फ्रॉम योर फेसबुक। और दोस्तों वैसा करने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूँ। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो आपने समझ ली है, उम्मीद करता हूँ आपको भी यही प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आती होगी। और इवन ये पोस्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हैं तो वो भी आपके वहाँ पे जाके शेयर हो जाते हैं, इवन आजकल तो रील्स भी जाके वहाँ पे शेयर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये सब कुछ को रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो है भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर दोस्तों इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स तैयार करे हैं जिसके थ्रू आप इजीली स्टेप बाय स्टेप वे में डिस्कनेक्ट कर पाएंगे अपने फेसबुक अकाउंट को फ्रॉम योर इंस्टाग्राम अकाउंट। दोस्तों इसका जो स्टेप वन है वो है दोस्तों ये कि आपको जाना है अपने प्रोफाइल पे और दोस्तों वहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पर आपको जो ऑप्शन पे जाना है वो है दोस्तों सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। अब आप कहेंगे भाई ये ऑब्वियस था, तो ठीक है ऑब्वियस है तो ठीक है, स्टेप टू पे चलते हैं। तो भाई स्टेप टू में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पर यहाँ पे कहीं पे भी आपको फेसबुक अकाउंट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको चलना है यहाँ पे अकाउंट सेंटर में, और दोस्तों अकाउंट सेंटर है ना थोड़ा सा नया सा हो गया है, पहले अलग टाइप का आता था अभी अलग हो गया है। तो दोस्तों अकाउंट सेंटर में जाने के बाद अब आप कहेंगे भाई ये तो मिल गया मुझे, अब आप जाएंगे भाई यहाँ पे और यहाँ पे जाके देखेंगे अरे वाह यहाँ पे फेसबुक अकाउंट भी लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इस वीडियो को बंद कर देता हूँ। बिल्कुल गलत, क्योंकि भाई यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, जस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कब ज्वाइन किया था इस अकाउंट को। और दोस्तों अब आपका मन भी थोड़ा मायूस हो गया होगा कि कैसे मैं डिलीट करूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए ही बैठा हूँ। दोस्तों इसमें हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है कनेक्टेड एक्सपीरियंस में। दोस्तों कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप पार्शली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, वो है दोस्तों ये। आपको जाना है दोस्तों शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स पे, और दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद अगेन आपको फेसबुक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि भाई यहाँ पे योर फेसबुक स्टोरी योर फेसबुक पोस्ट पे ऑटोमेटिकली शेयर करना है कि नहीं करना। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पे टर्न ऑन कर रखा है तो दोस्तों इसको टर्न ऑफ कर दो। सिमिलर दोस्तों आप सारे अकाउंट्स पे जाके चेक कर लो कि ये टर्नड ऑफ है, अगर ये टर्नड ऑफ है तो भाई अब आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स हैं या फिर जो पोस्ट हैं स्टोरीज हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँचेंगी। ये एक तरीका है, पर जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो है दोस्तों लास्ट स्टेप में। तो दोस्तों लास्ट स्टेप में चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट को फ्रॉम योर इंस्टाग्राम अकाउंट। और दोस्तों उसके लिए आपको चलना है अपने अकाउंट्स के ऑप्शन में, और दोस्तों अकाउंट्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ढूंढना है कि फेसबुक अकाउंट कहाँ पे लिखा हुआ रहा है। दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फेसबुक, मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूंगा। रिमूव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं रिमूव अकाउंट पे क्लिक करूंगा और दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा करने से आपका अकाउंट इंस्टाग्राम में से रिमूव हो जाएगा और जितने भी कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, अब सब प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ से हट जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक
जरूर करना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।